हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 2012 में आई हुई एक इंटरव्यू कन्वर्सेशन। उस कन्वर्सेशन में कौन कौन से डायलॉग्स हम शामिल कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से सीख लो, समझ लो। डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। देखिए कौन सी इंटरव्यू कन्वर्सेशन के बारे में पूछा गया है, आपके स्क्रीन पे है। यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, आपने एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में। प्रिपेयर एन इमेजिनरी इंटरव्यू, एक काल्पनिक इंटरव्यू तैयार कीजिए। इन नॉट मोर देन 10 लाइन्स, 10 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, यानी 10 लाइन में इंटरव्यू वो कन्वर्सेशन फिनिश करनी है। पहला डायलॉग क्या हो सकता है, देखिए। प्रिंसिपल के लिए पी और कैंडिडेट के लिए सी यूज किया गया है। वेन डिड यू डू योर टीचिंग ट्रेनिंग, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कब की थी। नेक्स्ट डायलॉग हो सकता है, ओनली लास्ट ईयर सर, सिर्फ पिछले ही साल की थी जी। अगला डायलॉग क्या हो सकता है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप टीचिंग एज अ प्रोफेशन, टीचिंग को एक व्यवसाय के तौर पर लेने में, व्यवसाय की तरह अपनाने में आप इंटरेस्टेड क्यों हैं, टीचिंग को क्यों पसंद कर सकते हैं, क्यों करते हो आप पसंद, क्यों करते हो, क्या रीजन है। तो आप अगला डायलॉग लिख सकते हैं, बिकॉज टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग जो है एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मोर आवर, और इससे भी ज्यादा और मैं बताऊं, आई लाइक टीचिंग वेरी मच, मुझे टीचिंग भी और ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगला डायलॉग हो सकता है, व्हाट इज योर फादर, आपके पापा क्या करते हैं। नेक्स्ट डायलॉग है, ही इज अ डॉक्टर सर, कि वो एक डॉक्टर है सर। अगला डायलॉग क्या हो सकता है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बट यू नो अ डॉक्टर जनरली लाइक्स हिज सन और डॉटर टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन आपको पता है ना, ज़्यादातर डॉक्टर अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। डजंट योर फादर ऑल्सो विश यू टू बी अ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पापा भी ऐसी कामना नहीं करते कि आप भी एक डॉक्टर बन जाएं। तो अगला डायलॉग क्या हो सकता है, नो सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ही हैज लेफ्ट इट टू मी, उन्होंने ये बात मेरे ऊपर छोड़ दी है, टू डिसाइड अबाउट माई चॉइस ऑफ प्रोफेशन, कि मैं किस व्यवसाय में जाऊँ, कि मैं किस व्यवसाय को चुनूं, मैं किस फील्ड में जाऊं, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। नेक्स्ट डायलॉग क्या हो सकता है, हैव यू एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग, क्या आपका टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है। हैव यू वर्कड एनीवेयर एल्स बिफोर, क्या तुमने कभी किसी दूसरे स्कूल में कभी काम किया है। अगला डायलॉग हो सकता है, नो सर, नहीं जी, मैंने नहीं किया। आई हैव नेवर वर्कड एज अ टीचर बिफोर, पहले मैंने कभी भी टीचर की तरह काम नहीं किया है, टीचर किसी स्कूल में काम नहीं किया। अगला डायलॉग हो सकता है, वुड यू लाइक टू स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, क्या आप टीचिंग आज के आज शुरू करना चाहोगे। नया डायलॉग हो सकता है, यस सर, नो प्रॉब्लम, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आज से शुरू कर लूंगा। तो अगला डायलॉग हो सकता है, देन वेलकम टू आवर स्कूल, फिर आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। गो टू द हेड क्लर्क, हेड क्लर्क के पास चले जाइए, एंड ही विल गिव यू योर टाइम टेबल, और वो आपका टाइम टेबल आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट डायलॉग हो सकता है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कन्वर्सेशन इमेजिनरी डायलॉग्स समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगती होगी भाई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्सेशन, इस साल मिल सकती है। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।